Hello guys, welcome back to another vlog. I hope you guys are doing absolutely fine. I know this is like a huge pause after my first video. But अभी just सेम का कॉल आया था दैट वी आर मेकिंग अ रोस्टर रिवील नाउ. सो मैंने सोचा ये बहुत टाइम से मुझे ये वीडियो बनानी थी एंड मैंने नहीं बनाया था. सो व्हाट इज़ गोना हैपन इज़ कि मैं अपना मेकअप थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा गंदा करूँगी जस्ट टू सी इफ सहीम इज़ ओके मेरे साथ शूट करने के लिए उस मेकअप के साथ. या ही सेम दैट यू नो यू नीड टू लाइक डू समथिंग अबाउट योर मेकअप या प्लीज़ थोड़ा सा कुछ कम कर लो बिकॉज इट्स गोइंग टू लाउड. सो लेट्स सी इफ ही विल बी ऑनेस्ट और ही विल बी लाइक हाँ ठीक है लेट्स शूट. सो अभी मैं बिगर मेकअप पे हूँ एंड आई एम स्टिल डूइंग माय मेकअप. और सिंस मैं अपने फ़ोन से शूट कर रही हूँ बिकॉज मैंने कैमरा चार्ज पर रखा है रोस्टर रिवील बनाने के लिए. तो मैं मेकअप के बाद आपको मिलती हूँ. आई ट्राई शूटिंग अ टाइम लैप्स बट अगर ज़्यादा नहीं हो पाया तो आई एम रियली सॉरी. बट मेकअप के बाद डेफिनेटली आई विल शो यू ऑल कि मैं कैसी लग रही हूँ एंड देन वी विल गो टू सहीम्स हाउस एंड सी इफ ही सेज समथिंग और नॉट. सो गाइस माय मेकअप इज़ फाइनली डन. मैंने फाउंडेशन ऐसा लगाया है जैसे कि मैंने कुछ एरिया छोड़ दिया यहाँ पर एंड मैंने लिप्स बहुत गंदे ओवरलाइन किए हैं. आईलाइनर आप देख सकते हैं, आईब्रोज आप देख सकते हैं और यस इस पार्ट को तो बिल्कुल मत भूलिए. मैंने यहाँ पर भी फाउंडेशन मिस कर दिया और ये फाउंडेशन और मेरे टोन का नहीं है, ये मेरा बहुत पुराना फाउंडेशन है. So let's go up and see his reaction. Same. हाँ यार मैंने ना set up वहाँ साला कर दिया बस मैं तू दो मिनट दे दे मैं बर्तन धो रहा हूँ ठीक है? Okay. Ready? हाँ बोलो. तो red lipstick क्यों पहनी है? अच्छी लगती है ना. कैमरा के सामने पता है ना लास्ट टाइम कितनी अच्छी ये लग रही थी वो तो बस चेंज कर लेना मेकअप अजीब सा हुआ है थोड़ा लेंस नहीं लगा था मैं कुछ देख ले कुछ फील है क्या कंफर्टेबल बट मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है लिपस्टिक वो तो ओवरलाइन करते हैं ना लोग पता ना मैं लिप जॉब मुझे ऐसा लग रहा है ओवर मेकअप हुआ है तेरा ओवर हुआ है नहीं ठीक हुआ है चल तो देख ले बट डोंट टेल मी जो मेरा शॉट आएगा जस्ट लेट मी नो मैं ये नहीं फिर बोलूंगा कि रीटेक रीटेक नहीं बोलूंगा मैं बाद में नहीं नहीं ठीक है सना तूने क्या मेकअप करा यू आर नॉट लुकिंग गुड आई एम नॉट लुकिंग लुक योरसेल्फ इन द मेक मिरर नहीं आई एम सीरियसली एज अ व्यूअर आई एम सेइंग यू आर लुकिंग यू आर नॉट लुकिंग गुड सो व्हाट मैं क्या कम करूं अबे तूने ओवर कर रहा है सारा ओवर मेकअप हुआ है हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो ये वीडियो बट ओके ऐसा कैमरे पे लग रहा है आई स्वेयर दिस इज वेरी नॉर्मल. हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. तो आज हम दोनों हैं साथ के फ्रेम में. सो दिस इज गोइंग टू बी द फ्रेम अबाउट क्या बोलूं मैं गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. यहां से तेरा अच्छा हुआ यहां से तेरा बहुत ही बकवास है यहां से तेरा ऐसा हुआ है यहां से तेरा कोन बन गया ऐसा त्रिशूल कोना शार्प यहां से तेरा ब्लंट. What is that? Guys, do not follow her on Instagram for these makeup tutorials because that's... So, yeah.
नहीं देखना क्या कर रहे हैं यहाँ से पूरा पॉइंटेड कर रहे हैं यहाँ से ब्लंट पर दिस इज न्यू ट्रेंड समाज का वेट ऑलराइट Okay, so before ending this video, if you guys are wondering why I have done my makeup like this, it was just to see Saheem's reaction, and I think I got a pretty good reaction as I told in my video. So go to the blog later and check this video out. He did not know I've been shooting him for past I think couple of hours now to get his reaction. It was very difficult. I had no clue about this video, so let's see how it goes. Thank you so much for watching this video. If you like this video, do not forget to hit the like button, share this video, do comment down below if you like this reaction or not. We want to show you behind the scenes of how we are in our personal life. Masti hum bahut karte hain, hum bahut mazak udate hain ek dusre ka. So please do not get offended agar isne mujhe kuch bhi bola hoga is vlog mein. It's just pure entertainment. Hum aise hi baat karte hain. Hamara comfort level bilkul aise hi hai. So and guys, do subscribe to this channel as well because we will be posting a lot of videos in upcoming days and weeks. So yes, subscribe to both our channels. Stay tuned, and our goal is to hit 10,000. No, that's gonna be the long term goal. But you have to, you know, go step by step. So our goal is to hit 10,000 before March. March. By the end of March, we're gonna hit 10,000. Inshallah, if you support us like this. So thank you so much. I'm gonna finish up my food and goodbye.